तेरे नालो तुली हसीन कोई ना, अरे चने पर जमीन कोई। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और इनकी दोस्ती दुनिया में मिसाल बन चुकी है। लोगों का कहना है कि दोनों रिलेशनशिप में थे और अब नीता ने रोहित को धोखा दे दिया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुए नीता और रोहित के बारे में, और आपको ये भी बताएंगे नीता ने रोहित को छोड़कर किसके साथ एंगेजमेंट कर ली है, कौन है वो लड़का। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, तो रोहित और नीता के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज़ायरा, कैसे हैं आप लोग। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नीता का फुल नेम नीता सिलकार है और प्यार से लोग इन्हें नीता कहकर बुलाते हैं। 5 अप्रैल 1995 को मुन्नार केरल में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट और टैलेंटेड बच्ची का जन्म हुआ जो सोशल मीडिया पर नीता सिलकार के नाम से फेमस है। नीता के जन्म के बाद उनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी और नीता अभी प्रेजेंट टाइम में मुंबई ही रहती है। बात कर लेते हैं नीता के एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो स्टार्टिंग की पढ़ाई इन्होंने प्राइवेट स्कूल मुंबई से ही कंप्लीट की और इसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी प्राइवेट कॉलेज से ही कंप्लीट की। नीता की फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा एक भाई और एक बहन है। नीता अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और ज़्यादातर टाइम उनके साथ ही स्पेंड करती हैं। तुम अगर चाहो ना तो तुम्हें कोई भी लड़का मिल सकता है, कोई भी। आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ नीता रोहित का क्या रिलेशन है और नीता किसके साथ रिलेशनशिप में है, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब बात कर लेते हैं नीता के स्टार्टिंग से करियर के बारे में। नीता को बचपन से ही एक्टिंग और डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो अपने स्कूल में अक्सर पार्टिसिपेट किया करती थी और लोग नीता की बहुत ज्यादा तारीफें करते थे। नीता ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बड़े होकर एक्टर ही बनना है, और जैसे ही नीता ने 12th कंप्लीट किया और इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद नीता को टिकटॉक के बारे में पता चला तो वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाने लगी। स्टार्टिंग में इनकी वीडियोस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आता था, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और ये वीडियोस बनाती रहीं। और इसके बाद नीता की एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई, देखते ही देखते इनकी फैन फॉलोइंग तेज़ी से बढ़ने लगी और कम ही समय में इनके टिकटॉक पर मिलियंस में फैन फॉलोइंग हो चुकी थी और नीता जानी मानी टिकटॉक स्टार बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन होने के बाद नीता ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज्वाइन कर लिया और इन पे वीडियोस बनाती रहीं। नीता की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और लोग नीता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नीता और रोहित की मुलाकात कब और कैसे हुई और इनका आपस में रिलेशन क्या है। नीता जब जानी मानी टिकटॉक स्टार थी जब रोहित को कोई नहीं जानता था। तो अब बात कर लेते हैं रोहित की। रोहित का जन्म सूरत गुजरात में हुआ। रोहित की फैमिली में इनकी मम्मी के अलावा एक सिस्टर है। रोहित के पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उनकी मम्मी को मारते पीटते थे। इसी वजह से रोहित को अपनी मम्मी और सिस्टर का ख्याल रखने के लिए कम एज में ही काम करना शुरू करना पड़ा। रोहित एक शॉप पे सेलर का काम किया करते थे जिससे कि वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठा सके। एक दिन रोहित को किसी ने टिकटॉक के बारे में बताया तो रोहित ने सोचा क्यों ना टिकटॉक पर वीडियोस बनाए जाएं, और रोहित ने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। रोहित के एक्सप्रेशन और स्टाइल को लोग बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने लगे। देखते ही देखते रोहित की भी वीडियोस वायरल होने लगी और कम ही समय में इनके टिकटॉक पर अच्छे खासी फैन फॉलोइंग हो चुकी थी। और फिर एक दिन नीता ने रोहित की कुछ वीडियोस देखी। नीता को रोहित के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छे लगे और फिर नीता ने रोहित को एक मैसेज किया, और जब रोहित ने नीता के मैसेज को देखा तो सोचा इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर ने मुझे मैसेज क्यों किया, और फिर धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और दोनों दोस्त बन गए। एक दिन नीता ने रोहित से कहा कि वो मुंबई आ जाएं। रोहित नीता के कहने से मुंबई आ गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। फैंस को इनकी जोड़ी बहुत पसंद आई और लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने लगे।
और देखते ही देखते इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई, लोग इन्हें रिलेशनशिप का नाम देने लगे और इनके फैंस को यही लगने लगा कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। रोहित का कहना है कि नीता जब से उनकी लाइफ में आई है उनकी जिंदगी ही बदल गई। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीता ने रोहित को धोखा दिया है। दोस्तों नीता और रोहित रिलेशनशिप में नहीं थे तो नीता ने रोहित को कैसे धोखा दिया? नीता और रोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो अपनी दोस्ती जिंदगी भर निभाना चाहते हैं। जानू छड़ चन्ना एक बारी कॉल कर दे। तो अब बात कर लेते हैं नीता किसके साथ रिलेशनशिप में है। नीता ने कुछ दिनों पहले ही अपने रिलेशन का रिवील किया है। नीता गुरदीप के साथ कई सालों से रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन का अभी रिवील किया है। जो कमाल के एक्टर मॉडल डांसर हैं, गुरप्रीत सोशल मीडिया पर ग्रे 7 के नाम से फेमस हैं। गुरदीप लंदन में रहते हैं और नीता इंडिया में। दोनों की लव स्टोरी काफी लॉन्ग डिस्टेंस की है। दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। आपको दोनों की जोड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बात कर लेते हैं नीता की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के बारे में। इनके इंस्टाग्राम पर 10.6 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर 1.35 मिलियन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। नीता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के लिए स्टाइलिश फोटोज और वीडियोस अपलोड करती रहती हैं और उनके फैंस भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नीता की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। तो इन्हें डांस करना, वीडियोस बनाना और नई नई जगह घूमना बहुत अच्छा लगता है। नीता अपनी सिस्टर की लड़की रीवा को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और उनके साथ अक्सर वीडियो शेयर करती रहती हैं। नीता को खाने में फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद है। नीता और रोहित की दोस्ती को दुनिया मिसाल देती है कि दोस्ती हो तो नीता और रोहित की जैसी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। नीता और रोहित की जोड़ी आपको कैसी लगती है? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरी के साथ। दोस्तों मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अपनी राय देंगे। थैंक यू गाइज। हेलो, एक्सक्यूज मी, एटीट्यूड, एटीट्यूड मेरा भी कम नहीं है। पैदा हुई थी ना, पूरे 2 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की थी, इतना